हस्तिनापुर गांव में प्रवीण नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसने कुछ खास पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसीलिए वो बिना कुछ कामकाज के ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। कुछ कामकाज ना होने की वजह से प्रवीण अपने दोस्तों के साथ गांव के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के चारों ओर बने मचान में बैठ के टाइम पास करता था, मौज मजाक करके। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठ के ठहाके उड़ा रहा था और गप्पे लड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त एक आदमी सफेद कपड़ों में चश्मा लगा के बन ठन के वहां से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने शादी के रिश्ते के लिए कहीं जा रहा है। उसे देखकर प्रवीण ने अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो देखो, ये जो आदमी आ रहा है सफेद कपड़ों में, इसे मैं कैसे कीचड़ में गिराता हूं। वो इंसान गुनगुनाते हुए आ रहा था सड़क से। प्रवीण ने कहा, अरे भाई भाई साइड हटो, तेज रफ्तार से बस आ रही है। ये सुन के वो इंसान घबरा गया और हड़बड़ा के कीचड़ में गिर गया। उसके सफेद कपड़े गंदे हो गए। ये देखकर प्रवीण और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद से अक्सर प्रवीण और उसके दोस्त ऐसे ही मजाक करके मजे लेते थे और लोगों को ऐसे ही परेशान करते थे। प्रवीण ने तो एक कैमरा भी खरीदा और अपने मौज मस्ती को वो रिकॉर्ड करने लगा। एक दिन एक व्यक्ति भैंस से दूध निकालने जा रहा था। प्रवीण वो देखकर अपने दोस्तों से कहा, अरे वो पटाखा लक्ष्मी बॉम्ब लाना जरा, फिर देखो भैंस कैसे कूदती है और इसे उड़ाती है। ये कहकर प्रवीण वो इंसान जो भैंस की दूध निकाल रहा था उसके पीछे जाके पटाखा रख दिया। जैसे ही बॉम्ब में आग लगी, जोरों से धमाका हुआ, भैंस ने अपने पैर उठाकर उस इंसान को दो लत्थी लगाई। बेचारा दर्द के मारे तड़पने लगा। हे भगवान, किसने बॉम्ब फोड़ी, मुझे चोट लग गई। जब उसने चारों ओर नजर फेरी तो देखा प्रवीण और उसके दोस्त बिना पीछे मुड़े दम उठा के भाग रहे थे। एक युवक किरण, जो ये सब कुछ देख रहा था, सोचा कि प्रवीण और उसके दोस्तों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। किरण ने बॉटल लेकर उस चबूतरे पे उड़ेल दिया जहां वो अक्सर बैठा करते थे। फिर उसने पुलिस स्टेशन में फोन लगाई और कहा, हेलो सब इंस्पेक्टर सर, कुछ लड़के बिना कामकाज के हमारे गांव में घूम फिर रहे हैं और बिना मतलब से लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो अभी? मैं आके अभी मार मार के हवा निकालता हूँ। सर, वो अक्सर गांव के बीचों बीच बने एक चबूतरे में बैठते हैं। ठीक है, कल मैं आऊंगा और उनको सही सबक सिखाऊंगा। हमेशा की तरह प्रवीण और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बैठ के मौज मजाक में व्यस्त थे। इस बीच सब इंस्पेक्टर साहब आए और कहने लगे, अरे लड़के, यहाँ बैठ के क्या हंसी मजाक उड़ा रहे हो, कोई काम धाम नहीं है? सब इंस्पेक्टर को देखकर काफी डर गए सब और खड़े होने की सोचे, पर वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे, चिपक गए थे मचान से। अरे लड़के, पुलिस को देखकर खड़े क्यों नहीं होते, बड़े घमंडी लग रहे हो। ये कहते ही पुलिस ने अपनी लाठी निकाली और दे दनादन लगाई। पिटाई के दर्द के मारे सब जोर लगाकर खड़े उठे। अब सबके पैंट पीछे से फट गए। ये देखकर आसपास के लोग खूब हंसे। तुम ही वो लड़के हो जो रोज लोगों को छेड़ते और परेशान करते हो, हाँ? चलो चलो पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हारे दिमाग को ठीक करता हूँ। ये कहकर उन तीनों लड़कों को पुलिस स्टेशन ले गए और खूब धुनाई की।